आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री भगवान का प्रकटित बोध। सारी भावनाएं पुरातन हैं। आज का चमत्कार, रूस से मैं गालिना दार्सोवा हूँ। 74,000 दीक्षा यज्ञ के बाद मेरा नया जीवन हो गया है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये बहुत ही अप्रत्यक्ष और स्वाभाविक रूप से हुआ और बहुत ही गहन और स्थायी है। मेरे जीवन में कोई व्यक्तिगत दुख या पीड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, ना ही तुलना है। अतीत अब मुझे परेशान नहीं करता और भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई हैं, पर उनको अब समस्या के रूप में नहीं देखती। मैं अब देख सकती हूँ कि अब मैं अपमानित महसूस नहीं करती, मन कहानियाँ नहीं गढ़ता। जिसने मुझे अभी अभी ही अपमानित किया हो, उससे भी मैं सामान्य रूप से संपर्क कर पाती हूँ। लेश मात्र आंतरिक तनाव नहीं होता, कोई अपराध बोध नहीं है, कोई डर नहीं है। जब मैं मौत के डर से गुजर गई तो बाकी सब डर गायब हो गए हैं। जीवन की जद्दोजहद खत्म हो गई है। हाल ही में मैं कोर्ट में थी, बिल्कुल शांत, जबकि पहले मैं चिंता करती थी। धोखाधड़ी करने वालों ने मेरे जाली इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करके टैक्स अधिकारियों को पिछले कालावधियों के लिए मेरे नाम पर अरबों डॉलर के ब्यौरे जमा कर दिए थे। पूछताछ के दौरान भी मैं बिल्कुल शांत थी। मैंने हास्य भी किए और अपनी प्रतिक्रिया पर मैं खुद हैरान थी, क्योंकि मुझे तनाव नहीं था। अक्सर मुझे अकारण ही असीम आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी शरीर में अत्यंत आनंद महसूस करती हूँ, खास तौर पर जब मेडिटेशन में होती हूँ। संसार बहुत ही रंगीन लगता है, रंग और गहरे लगते हैं, मानो बारिश ने सब कुछ धोकर साफ कर दिया हो। हर चीज में एक उत्सव का माहौल और नयापन लगता है। जब किसी चीज पर मेरी नजर पड़ती है तो मुझे उसको फूल या पेड़ के रूप में नहीं देखती, मुझे एक आकार या रंग दिखता है जो मुझे गहन आश्चर्य और हर्ष देता है, जैसे कि सब कुछ पहली बार देख रही हूँ। मेरी कोई स्थिति नहीं है। ये शांति हो सकती है, नीरवता हो सकती है, अकारण आनंद और हर्ष, असीम आनंद या करुणा, कुछ भी हो सकता है। बहुत ऊर्जा है। जीवन के तनावपूर्ण पलों में भावनाएं उभरती हैं, पर तुरंत ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। ये समझिए कि आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। यदि भावना बहुत शक्तिशाली होती है तो किसी पटाखे की तरह फट जाती है और तुरंत समाप्त हो जाती है। कभी कभी मुझे ऐसी स्थिति का आभास होता है कि मेरा शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि यह मुझसे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा होता है। या फिर मैं बहुत ही प्रसन्नचित महसूस करती हूँ जब सब कुछ स्वचालित होता है। मैंने जीवन का आनंद उठाना शुरू कर दिया है। प्रकृति की खूबसूरती और विविधता और जीवन के सभी पहलू, कभी कभी वो सब जो मेरी राह आए हैं, उन सब के प्रति असीम आभार का एहसास होता है। समय समय पर श्री अम्मा और श्री भगवान के प्रति असीम आभार उभरता है। उन्होंने मुझे खोजा, प्रेम से जीवन के हर पड़ाव पर मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे राजसी उपहार दिए। मैं समझ गई हूँ कि श्री परम ज्योति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे प्रति प्रेम और करुणा के कारण ही वे मुझे ऐसे उपहार देते हैं। वे कैसे अपने वादे निभाते हैं। मेरा हृदय हमेशा श्री परम ज्योति को समर्पित है। धन्यवाद।